नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपकमिंग भोजपुरी मूवी आशीर्वाद छठी मैया के 2 के बारे में, जिसका दोस्तों ऑफिशियल ट्रेलर अभी कुछ देर पहले ही बी फॉर यू के भोजपुरी चैनल के यूट्यूब पर दोस्तों रिलीज किया जा चुका है। और अगर आपने अब तक इस ट्रेलर को नहीं देखा है दोस्तों, तो बी फॉर यू के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाइए दोस्तों, और वहाँ पर आपको ये ट्रेलर मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा ट्रेलर है दोस्तों, और छठी मैया को किस तरीके से इस भोजपुरी ट्रेलर में दिखाया गया है और किस तरीके से ये छठी मैया के ऊपर फिल्म निर्धारित है दोस्तों, क्या कुछ कहानी होने वाली है इस फिल्म की, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक इस ट्रेलर को नहीं देखा है तो कृपया जाकर इस ट्रेलर को बी फॉर यू के भोजपुरी चैनल पर आप देख सकते हैं, उसके बाद हमारा ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, इस वीडियो को पूरा देखे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो हमारे चैनल भोजपुरी नाव को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब बिना देर किए इस फिल्म की कहानी के बारे में, जो कि ट्रेलर को देख कर समझ में आ रहा है दोस्तों। तो फिल्म की कहानी है एक परिवार के ऊपर। एक परिवार में है एक पति और एक पत्नी। पत्नी जो होती है उसका कोई बच्चा हो नहीं रहा होता है पति द्वारा, और समाज में भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसे बाजिन भी कहना शुरू कर देते हैं। तो उसे देखते हुए वो बहुत परेशान होती है। तो उसके पति जो होते हैं वो उसे एडवाइस देते हैं, उसे सलाह देते हैं कि आप छठी माई का जो पूजा होता है वो कीजिए। और दोस्तों, छठी माई का आशीर्वाद इस परिवार के ऊपर पड़ जाता है और पति पत्नी का एक बच्चा जो होता है वो पैदा हो जाता है, और जो बच्चा होता है वो लड़का होता है। उसके बाद दोस्तों होता ये है कि फिल्म में क्लाइमैक्स के तौर पर ये दिखाया गया है कि जिस तरीके से ऊपर यानी कि स्वर्गलोक में छठी माई रहती हैं और साथ ही कई देवी देवताएँ रहते हैं दोस्तों, तो उनमें आपस में ही नहीं बनती, तो छठी माई से जलने वाले भी बहुत सारे देवता रहते हैं, जो ये कहते हैं कि किस तरीके से छठी माई जो विधि का विधान लिखा गया है उसे किस तरीके से बदल सकती हैं, तो ये उनके हक में नहीं है। तो इसे देखते हुए दोस्तों, बहुत सारे अर्चने जो अन्य देवी देवताएं होते हैं वो उस परिवार के ऊपर ला देते हैं, और वो चैलेंज करते हैं एक तरीके से कि किस तरीके से अब देखते हैं कि छठी माई इस बच्चे को बचाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक टाइप से राइवलरी भी दिखाया गया है कि किस तरीके से छठी माई ने जिस बच्चे को आशीर्वाद देकर इस दुनिया में लाया है दोस्तों, तो वो बच्चे को किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसके दोनों किडनियाँ जो है वो भी ख़राब हो जाती है। तब उसका परिवार जो है, उसकी माँ जो है, एक बार फिर से छठी माई है उनसे पूजा करती है, उनसे दरख्वास्त करती है कि उसके बच्चे को बचा लिया जाए। तो छठी माई फिर से प्रकट होती हैं और अपने आशीर्वाद से उस बच्चे को ठीक कर देती हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी और कठिनाइयाँ आती हैं। दरअसल उस गांव में जो ये परिवार जिस गांव में रहता है, वहाँ पर एक और परिवार होता है जो इस परिवार से बहुत ही खुन्नस है, इस परिवार से एक तरह से कह सकते हैं। तो कुछ पैसे का ऊपर लेन देन होता है जिसका जो उसके परिवार वाले होते हैं वो चुका नहीं पाते हैं। तो जो लड़का होता है वो शहर जाता है, शहर जाकर मेहनत मजदूरी करता है, और वहाँ उसे एक लड़की से प्यार भी हो जाता है और उससे वो शादी भी कर लेता है। पर वो जो जिस मकसद से वो शहर गया होता है वो मकसद अपना पूरा कर लेता है। जितने पैसे की ज़रूरत होती है वो उतना पैसा कलेक्ट कर जाता है वापस अपने गाँव पर। वहाँ पर अलग ही ट्विस्ट होता है। जो परिवार को वो पैसे देता है वहाँ पर वो बताया जाता है कि उसका परिवार तो रहा ही नहीं, पर बाद में मालूम चलता है कि उसे झूठ बोला गया। और दोस्तों इसी तरह जो कहानी है वो चलती रहती है, और लास्ट में दिखाया गया है कि ये जो जिसके ऊपर छठी माई का आशीर्वाद रहता है, जिस बच्चे के ऊपर आशीर्वाद रहता है वो जो शादी कर लेता है, तो उसकी एक बच्ची होती है छोटी सी जो कि गूंगी होती है। और उसके लिए भी ये जो परिवार होता है पूरा, ये फिर छठी माई से दरख्वास्त करता है, उनकी पूजा करता है कि उसकी आवाज़ वापस से आ जाए। और दोस्तों चमत्कार लास्ट के ट्रेलर में यही दिखाया गया है कि वो जो बच्ची होती है वो गाते रहती है, उसके गले से पता नहीं अचानक से फिर से आवाज़ खुद ब खुद निकलने लगती है, जो कि छठी माई के आशीर्वाद से दिखाया गया है। और वो जब गाती है तो वो छठी माई का ही गीत गाना शुरू कर देती है। तो इसी के साथ ये ट्रेलर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों ये फिल्म की कहानी तो अच्छी ही लग रही है, पर इस फिल्म में जिस तरह का ग्राफिक यूज़ किया गया है दोस्तों, जिस तरह से एडिटिंग की गई है वो उतना अच्छा लेवल का हमें नहीं लगा दोस्तों। बहरहाल कहानी के लिए, एक्टिंग के लिए तो हम इस भोजपुरी मूवी को 10 में से 10 नंबर देंगे दोस्तों। आप बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ ये भोजपुरी मूवी जब भी सिनेमा हॉल में लगे दोस्तों, तो आप ज़रूर जाकर देखिए। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों। पर जिस तरीके से इस भोजपुरी मूवी में एडिटिंग की गई है, जिस तरह से वीडियो को शूट किया गया है दोस्तों, वो
वो बहुत कमज़ोर तरीके से किया गया। अगर वो भी बहुत अच्छे से किया जाता दोस्तों, तो ये बहुत ही बढ़िया भोजपुरी मूवी बन सकती थी। बहरहाल दोस्तों, ये कोई ख़राब मूवी नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर छठी माई को दिखाया गया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से यहाँ पर जो भी कहानी को गढ़ा गया है, वो बहुत ही अच्छी है दोस्तों। पर जिस तरीके से यहाँ पर एडिटिंग को यूज़ किया गया, जिस टाइप का, जिस लेवल का एडिटिंग यूज़ हुआ है इसमें, वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हमें ख़राब लगा। तो इसी चीज़ को शायद आगे सुधारा जाए, ताकि छठी माई का ये जो मूवी है, उसका पार्ट 3 भी जल्द से जल्द आपके सामने आए। बहरहाल दोस्तों, आप इस भोजपुरी मूवी को सिनेमा हॉल में ज़रूर देखिए, मिस ना करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों, आप पूरे परिवार के साथ। और अभी तो छठ का सीज़न भी है दोस्तों, छठ जल्दी ही आने वाला है, तो आप इस भोजपुरी मूवी को मिस ना करें, इस भोजपुरी मूवी को सिनेमा हॉल में ज़रूर देखें। बहरहाल दोस्तों, यही था हमारा रिव्यू इस भोजपुरी ट्रेलर के ऊपर। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आपने इस भोजपुरी मूवी के ट्रेलर को देख लिया दोस्तों, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल भोजपुरी नाव को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।